नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। कोरोना वायरस के कारण मार्च के महीने के बाद से सिनेमा घरों में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अब सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद से कुछ निश्चित शर्तों के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सिनेमा घर खोलने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी खाली पीली और कियारा आडवाणी की इंदु की जवानी रिलीज होनी है। हालांकि बॉलीवुड में त्योहारी सीजन हमेशा से खास रहा है, तो दर्शकों में ये जानने की उत्सुकता है कि इस बार त्योहारी सीजन पर कौन सी फिल्म रिलीज होनी है। यूं तो कई बड़ी फिल्मों की रिलीज रुकी हुई है, लेकिन अब हम आपको कंफर्म खबर बता रहे हैं कि इस बार दिवाली और क्रिसमस पर कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं और कौन सी फिल्में अब अगले साल ही रिलीज हो पाएंगी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कंफर्म हो गया कि रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 83 इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर बनी है। जहां तक दिवाली की बात करें तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इस साल इस मौके पर मनोज बाजपेयी, फातिमा सना शेख और दिलजीत दोसांझ की कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी 13 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कंफर्म है कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी अब 2021 में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय के साथ लंबे समय बाद कैटरीना कैफ नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इस फिल्म को अगले साल जनवरी से मार्च के बीच रिलीज किया जाएगा। इसी तरह इस साल ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी अगले ही साल रिलीज होगी। सलमान की इस फिल्म की अभी शूटिंग चल रही और ऐसे में इसके इसी साल रिलीज होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।